ये एक मौत का खेल है, ये इतना आसान नहीं जितना हम तो समझ रहे हैं। इससे पहले कि ये बैतियाँ से भाग जाए, हम इसके पूरी पैनी लगा रखे हुए हैं। हालांकि इसका चेहरा आप देख सकते हैं, बहुत ही खतरनाक न्यूरोटॉक्सिक इंडियन का मंत्र है, दुनिया का सबसे जहरीला सांप। मैं फिर कुछ कहना चाहते हैं, पूरी सुरक्षा के साथ उनके पैर में चोट लगी हुई है, इसके बावजूद जानते हुए भी वो इस काम को अंजाम देना चाहते हैं। हालांकि इसमें बहुत खतरा है दोस्तों, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये काफी लंबा है और बहुत ही जानलेवा है, इंडियन कॉमन क्रेट, हाईली वेनमस न्यूरोटॉक्सिक। जैसा कि आप देख रहे हैं, 5 फीट के आसपास से ज्यादा इसकी लंबाई है। हम इसके चेहरे को देख रहे हैं, इसकी बॉडी आकार प्रकार को देख रहे हैं, नहीं सही नहीं है, सही नहीं है, सुरक्षित, लेकिन इसका चेहरा अभी भी हमसे दूर। हालांकि अपने पलटवार में काफी माहिर उस्ताद तेज तर्रार नवयुवक है। फिलहाल ये इसका पलटवार काफी तेज है, जैसे कि आप जानते हैं। थोड़ा आगे आने दीजिए गोलक जी, गोलक जी उसको धीरे धीरे आगे आने दीजिए, थोड़ा आगे आने दीजिए, आने दीजिए, उसके मुंह से रहम दीजिए, शांत रहिए, बस शांति, मुंह बंद रखिए बस। हम इस करेट को जानबूझ के फॉलो कर रहे हैं और आखिरकार एक फाइनल जो हमारे रेस्क्यूर का जो टेक है वो करेक्ट है, कड़क है। काश निकालिए मुंह से, फाइनली मेरे पास न्यूरोटॉक्सिक काटने के 20-25 मिनट का वक्त रहता है और ये बहुत जहरीले करते हैं इसको, बहुत इसको कराइट बोलते हैं, यही कराइट जो 20-25 मिनट का वक्त रहता है। कोबरा जो है काटे का 1 घंटा का समय मिलता है, ये देख आप देख सकते हैं। मैं एक ब्रिस्टिक है, ये सिर्फ ब्रिस्टिक की पूजा को मैं पकड़ता हूँ और जड़ी बूटी मंत्र नहीं होता है, सब अंधविश्वास है। चलो ठीक है, इसको अभी एक डिब्बा है, डिब्बा दे दीजिए फटाफट, समय नहीं है, काफी रिस्की काम है दोस्तों। इस जगह आप देख रहे हैं बहुत सारे लोग यहाँ पीछे बैठे हुए हैं। पीछे देख रही हूँ भैया। क्या पीछे क्या है, हाथी है? हाथी नहीं है, अम्मा मेरी है। तो मैं सांप देखूँ तो आपकी अम्मा को देखूँ? ये काफी खतरनाक काम है दोस्तों, ये बहुत ही जहरीला और बहुत ही अग्रेसिव हो चुका है, काफी क्रोधी रहे। जैसा कि आप देख रहे हैं ये डब्बे में जाने के लिए तैयार नहीं है। थोड़ी शांति बनाए रखें, धैर्य का परिचय दें दोस्तों। खतरा इसी में होता है जब हम सांप को पैक कर रहे होते हैं, पकड़ना बहादुरी नहीं है, उसे होल्ड करना बहादुरी होती है। हालांकि हमारे रेस्कर ने एक बार फिर सफलता हासिल की है दोस्तों। सफलता हमेशा हाथ नहीं लगती, जिंदगी और मौत के खेल के बीच में कभी भी कुछ हो सकता है। पकड़ लिया हूँ और इसको ऑक्सीजन के लिए मैं रेडी बनाया हूँ और ले चलते हैं कहीं जंगल में, इसको भी छोड़ देंगे।